सुनू चल दरवाजा खोल। नीलू अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब पिंटू जी जेल के दरवाजे से बाहर आएंगे। कितना ड्रामा कर रही है यार दरवाजा। अरे पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, क्या पिंटू जी? अरे यार यहाँ से आवाज लगाने से कोई मतलब नहीं है, थाने तक नहीं पहुंचेगी। चल यार एक तेरे रोने से ना ये पिंटू जी की जमानत नहीं हो जाएगी, सो चिल कर। तू मतलब बहुत ही बेकार फ्रेंड है यार, तू मतलब मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही है। ये तो तेरे भाड़ में जाने वाली सेल्फी। देख मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मतलब इतना कह रही हूँ कि तू रोएगी, आंखें सूज जाएंगी। सूजी आंखों से मिलेगी क्या पिंटू जी से? और तुझे ऐसी आंखों से देख लेना मतलब तो मतलब तई बोल जाएंगे डर के मारे। मत लेना, कुछ करेंगे ना जुगाड़, निकालेंगे उनको बाहर। पक्का ना यार, मैं बोलूं तो निकलवा दूं उन्हें बाहर, वो ना बड़े नाजुक टाइप्स हैं। पिंकी जी का ना एक डंडा पड़ते वो तीन बार बोल देंगे कबूल है कबूल है कबूल है। प्यार किया है क्यों इतने नाजुक आदमी से भाई? इन्हो जब प्यार किया था वो आदमी थोड़ी थे। सोचती हूँ कुछ। चल मेरे साथ चल। कहाँ? आना मजा आ रहा है। इलायची संजना कैसी है? और प्रॉब्लम सॉल्व, गुलर खा गए? बिल्कुल सही कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। और बहुत खुश है यार ये संजना, क्या है ना उसके फिसड्डे भाई ना संजीव ने उसकी इज्जत बचा ली यार, मतलब कमाल का है ना। संजना बहुत ही खुश थी, क्या पीटा है उसने छटंगी मामा को। उसके मुंह में गुलर, कौन कह रहा है छटंगी को? संजीव ने कूटा, उसकी मालिश तो मैंने की है गुलर खा गए। हाँ तो समझ ले मेहनत तेरी और क्रेडिट ले गया वो संजीव। देख यार वो क्या हुआ ना, छटंगी मामा पिटे ना तो उसके जुर्म में ना मतलब शक गया संजीव पे और संजीव को उठा के ले गए पिंकी अंकल। और संजीव मतलब इतना चौड़ोगे बोल रहा था कि भाई छटंकी को ऐसे कूटा है मैंने, ये किया वो किया, बहन की इज्जत बचाई है, मतलब हद ही हो गई यार। झूठा मक्कार लायर घिसा हुआ टायर, आई विल फायर। बताओ हड्डियां मेरे हाथों की सूज गई और तारीफ वो पा रहा है वो लड़का गए। अरे यार ये बात तू जानता है मैं जानती हूँ सब तो नहीं जानते, तुझे पता है कि संजना के फैन भी पड़ी है उसकी। अरे यार इन लोग जैसे ही ना संजीव को लेके जा रही थी ना पुलिस तो भाई आधे रास्ते तक गाने गाती हुई गई है भाई बहनों वाले। आधे रास्ते तक क्यों? अरे यार आधे रास्ते तक वाले गाने आते थे ना मतलब इतने ही याद थे, फिर आ गए लौट के वापस। बड़े घूनर लोग हैं दुनिया में यार। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है यार, ऐसे चलता रहा ना तो दुनिया में से वो भोले भाइयों पे विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का। अरे होगा क्या? हो गया है? अरे संजना कहाँ? क्या बोल रही थी मुझसे? यार ये खसोटे भैया ना एक नंबर के डरपोक निकले, क्या सोचा था मैंने। और तो और ये भी कह रही थी ये जो दुपट्टा फाड़ के मैंने राखी बांधी थी ना उसके चक्कर में ना मेरा दुपट्टा ही वेस्ट हो गया है। वेस्ट, बेकार। बेस्ट है वो। ओके बाय बाय। अरे मंगी लाल पर मिर्ची डाल पड़ी। चल इधर आ। बोल बोल बोल। संजीव बोल, सच सच बोल, तूने तूने ही मारा ना छटंकी को, पिंकी जी बोल रहे, बोल। करोगा जी? हाँ। उस मुस्तंडे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उसे पीटूंगा? कैसी बात कर रहा? अरे क्या बिगाड़ा क्या, इसलिए पीटोगे क्योंकि वो है ना जो संजना वो तुम्हारी बहन हो रखी है, इसलिए पीटोगे और किस लिए पीटोगे? बोल 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 संजीव बोल। अरे करोगा जी मैं संजीव नहीं हूँ।
मतलब तुम संजीव नहीं हो हैं? तो फिर तुम कौन हो भाई? मतलब मैं कह रहा था कि मैं पिंकी अंकल। हाँ? ये एक मजबूर आदमी है, है? क्योंकि ये अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। अरे ये बेचारे खुद सोच में पड़े कि अपने को खुद को संजीव कैसे बुलाए, खुद निर्जीव बुलाना है ना संजीव जी? हाँ, मैं निर्जीव हूँ। निर्जीव? देखो खसोटे, अरे आना अंदर। खसोटे दरोगा साहब, तुम्हारे मुंह में गूलर है? तुम गलत आदमी को टॉर्चर कर रहे हो। जिसको टॉर्चर करना है ना तुमको, वो मैं हूँ। क्योंकि छटंकी को मैंने मारा है, आई बीटेड हिम गूलर खा के। तुमने छटंकी को क्यों मारा? क्योंकि उस छटंकी ने मेरी मुंह बोली बहन संजना को छेड़ा। एक भाई होने के नाते मैं एक कत्ता बर्दाश्त ना कर सकता, कोई मेरी बहन को छेड़े, गूलर दे दूंगा उसके मुंह में। मैं तो कब से कह रही हूँ पिंकी अंकल कि ये संजीव जी चिमरखे आदमी, मच्छर तक को नहीं मार सकते, फिर छटंकी मामा इज लाइक वे आउट ऑफ लीग, है ना? इलो संजीव जी के इनोसेंट होने वाली सेल्फी। दरोगा साहब जी, संजना की इज्जत की हिफाजत मैंने की है। इस चिमर के संजीव ने ना मारा है, उस छटंकी को मैंने सबक सिखाया है। आई एम द ओरिजिनल ब्रदर फ्रॉम द डिफरेंट मदर, प्लीज डू सम कदर, अदरवाइज आई विल मेक गदर। मुझे गिरफ्तार करो। आज तो मैंने उस छटंकी की एक टंकी फोड़ी है, अगर वो बाज नहीं आया तो मैं उस छटंकी की छह की छह टंकी फोड़ दूंगा मैं। छटंकी? अरे वाह 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 वाह, मतलब ऐसा है तुम्हारा नाम क्या खसोटे, तुम बड़े महान हो रखे हो भाई। मतलब एक मुंह बोली बहन के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने दांत तोड़वाने के लिए तुम यहाँ पिंकी जी के पास आके थाने खुद चल के, मतलब तुमने एक बार भी ये ना सोचा कि पिंकी जी की पिटाई खाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने लायक रह जाओगे, उसकी परवाह ना की फिर भी तुम आ गए। वाह वाह वाह, मतलब तुम्हारी ये सब बातें सुन के ना पिंकी जी के अंदर का भाई भी जाग गया है। बहन सो गई लगता है। साहब जी, मैं तो ये खसोटे से बोल रहा था। अच्छा, आपकी बहन ठीक से सो गई ना? ना ना, तू बोल ना, तू बीच में जबरदस्ती अपना नाक मत घुसा, मुंह बंद रख तू। पिंकी जी बात कर रही है ना? हाँ, तो मतलब संजीव तुम जाओ, तुम जा सकते हो, तुम आजाद हो। अरे भैया जैकेट दे दो। इमान जी चलो, चलो संजीव जी चलो, दूध ना पूतो फलो। अरे जाओ यार, चलो कि बाय पिंकी अंकल। हाँ हाँ, बाय बाय, राम राम। और अपना खसोटे, मतलब बहुत भारी मन से पिंकी जी को ये बोलना पड़ रहा है कि पिंकी जी तुझे गिरफ्तार कर रही है, तूने कानून को अपने हाथ में लिया। खसोटे, पिंकी जी तुझे गिरफ्तार करिए, पकड़ ले इसे। यू स्टूपिड, कौन है बे? अपना सर। जेन सर। पिंकी? हाँ जी सर। कभी तो कोई काम ढंग से किया करो। क्या हुआ सर? इस आदमी ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए एक अपराधी, एक गुंडे को मारा, और तुम इसे शाबाशी देने की बजाय इसको गिरफ्तार कर रहे हो। इसको छोड़ दो, कानून की नजर में इसे माफ किया जाए। अपना ठीक है सर, एज यू से, जैसे आप कहें सर। बचपन से दिल्ली में रह रही आपको यार, साला इतना दर्द हो रहा है अभी तक। छटंकी जी, आप संजना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। इसी वक्त क्या मिला है आपको मेरा दिल तोड़ के? छटंकी की भावनाओं का आपने तो ऐसा रहता फैला दिया, कभी किसी ने फैलाया? देखिए, मैं ना आपको बताना चाहती हूँ, मैं कोई रहता रूता नहीं फैला रही हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। संजना जी, आपने कितनी आसानी के साथ अपने भाई के सामने कह दिया कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि तुम खाना खाते वक्त मेरी टांगों के साथ हॉकी क्यों खेल रही थी? आप देखिए, मैं ना आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मैं कोई हॉकी हुकी नहीं खेल रही थी आपके साथ।
देखिए छटंकी जी, मैं ना आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझ सकते हैं तो प्लीज समझ लीजिए। देखिए मैं ना बहुत ज्यादा संस्कारी घर से आई हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने ना मुझे ये बोला कि लाइफ में ना जिस थाली में खाओ ना उसमें कभी छेद नहीं करते, वरना ना लोग आपको छेदू छेदू करके बुलाने लगते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, आप खुद सोचिए, जहाँ पे मेरा भाई काम करता है मैं वहाँ पे प्यार कैसे करूँ? जहाँ काम करते हैं वहाँ प्यार नहीं करते ना छटंकी जी। और आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे प्यार की पींगे बजाऊं? मैं ये नहीं कर सकती, आप प्लीज मुझे भूल जाइए। अरे भैया, अच्छा अच्छा तो ये बात है। जब तो हम कहें कि लड़की छटंकी को देख ले और मना कर दे, अब यकीन करना, कसम खा के बोल रहे हैं, अब तो डबल प्यार हो गया आपसे मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज ऐसी बातें मत भूले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। आप प्लीज, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू से। संजना जी, जी संजना जी, अभी तक मेरी जिंदगी में सब छठी हुई लड़कियां आई। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी पहली मोहब्बत जो थी मुन्नी मुजरे वाली थी। अब हमारा जेल में जो है डाकू हसीना के साथ प्यार चला, लेकिन एक बात बड़ी गलत कर डाली डाकू हसीना ने, हमारे सामने उसने 3 मर्डर कर दिए। तो यकीन न मानोगे, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं आएगी, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा कि इतनी प्यारी सुशील संस्कारी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यकीन मानना, आपने तो मेरी किस्मत खोल दी, समझ गए? हाँ, देखिए मैं ना बहुत ना ऐसे ऑकवर्ड सा फील कर रही हूँ इस समय, आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ मत बोलो। नहीं कुछ नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ये मेरे दिल से निकल रही है आपके लिए, कसम से। आई लव यू। क्या हुआ इलायची के पापा, इतनी रात को टहल कर में क्यों कर रहे हो? बिस्तर पे जाकर क्या फायदा, जब मुझे नींद ही ना आ रही तो। क्यों नींद क्यों ना आएगी, बिस्तर पे कोई खटमल थोड़ी ना पड़े हैं। मेरे नींद ना आने का कोई और भी तो कारण हो सकता है, है? दत्त इलायची के पापा तुम भी ना। कौन सी गली में जा रही है तू? 18 साल की उम्र से बाहर आ जा, बात कर रही बेकार की। अरे बहुत संजीव की बात कर रहा हूँ। तो संजीव में ऐसा क्या है जो मुझ में ना है? सही कह रही है, तुझ में भी कुछ वैसा सा है। क्या? अरे वो भी एक नंबर का दब्बू है, तू भी एक नंबर की दब्बू है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रही है तू। अरे मुझे दब्बू कह रहे, मैं तो भाग ही फूट गई। तो अगर उसका यही हाल रहा ना संजीव का, तो तेरे भाग फूटे ना फूटे लेकिन मेरे जरूर फूट जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया संजीव ने? अरे क्या कर दिया, करता ही तो ना है वो कुछ। से कैसे बोल सकते हो, कुछ तो करता ही होगा। हाँ करता है, मेरा दिमाग खराब करता है, मेरे काम का सत्यानाश करता है, उसे ना रंगों की पहचान है ना हिसाब किताब का ज्ञान है, बस फालतू की ऐसी बातें करा लो बस। नाना इलायची के पापा, बड़ी मुश्किल से तो नौकर मिला है, रहने दो ना। तू समझ ही ना रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो कुछ दिन और रहा ना, तो मैं बता रहा हूँ मेरी दुकान पे ताला लग जाएगा, इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मुझे ऐसी सरदर्दी पालनी ना है बिल्कुल बस। मैं कल ही उसे जो है अपनी दुकान से निकाल दूंगा, बता रहा हूं बात, समझ रही है ना? जीजाजी छत पर है। कमाल है, ये सो रहा है, फिर थप्पड़ के बाहर से थप्पड़ मार दिया बिना दरवाजा खोले। अरे खोल रहे हैं। जीजा जी छत पर है। इलायची जी। बिल्कुल इलायची जी, जीजा जी छत पर है, जगह में है, आप बताइए कैसी हैं आप? मुझे ना कुछ हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ, दिमाग ही फट जाएगा। क्या है ये, आप दोनों को इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर इस घर में लेकर आई हूँ, क्यों तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने की? क्या क्या क्या, अब क्या किया हमने इलायची जी?
इन्होंने किया है जो किया है। क्या क्या किया? पता क्या हुआ, मैं ना सो गई थी सोफे पर, टीवी देखते देखते तो मेरी अचानक से आँख खुली, मैंने सोचा टीवी बंद कर देती हूँ। टीवी बंद करने के लिए तो मैंने सुना कि पापा ना इनका नाम ले रहे हैं, और उसके बाद मैंने सोचा सुन लेती हूँ। पता है फिर क्या सुना मैंने? क्या? अरे यार सेठ जी, इतनी रात को आंटी जी का नाम ले, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कल सुबह वो आपको नौकरी से निकालने वाले हैं। अब क्या कर दिया यार तूने? हाँ अब क्या कर दिया मैंने? मैं बताती हूँ। अच्छा पिंटू जी, आप ये बताइए कि 100 में से अगर 25 निकाले तो कितने बचते हैं? 100 में से 25 काटे तो 50 बचे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 100 में से 50 काटे फिर 25 काटे तो मतलब 75 कितने बचे? 100 में से पहले 25 काटे फिर 50 काटे, 60 बचे। भाई इस समय ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना बहुत जोर से तुझे काट दूं। पिंटू जी आपको काटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ ओ ले लो ले लो। इलायची जी सॉरी, हमें लगता है हम आपको बताना भूल गए। दरअसल क्या है कि पिंटू हमेशा से मैथ्स में कमजोर रहा है। वो क्या है ना कि खदा वजन तो उठा सकता है, पर इलायची जी क्या आपने किसी खते को तोका पहाड़ा कहते हुए सुना है? ओ भाई मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे झंझट में ना डालो, नहीं आता मुझे जोड़ घटाना, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती ढकेल दिया उसमें। हाँ ठीक है इलायची जी, हम भी आपको कह रहे थे कि आपको नहीं करना चाहिए था, इसके बस की बात नहीं है यार, और आप इन्हें जिद्दे साड़ ली, क्या कर पाएगा यार। एक मिनट चुप रहो, क्या मैंने एक तो बचाया फिर मुझ पे बिल फाड़ रहे हो बेशरम। ओफो यार लड़ना बंद करो सब लोग, लो यार कुछ कर, लास्ट चांस दिलवा दे इन्हें, ये रट्टा मार लेंगे है ना। यार ये क्या कैसी बातें कर रही हैं यार सुनीता जी, अब लास्ट चांस दिला दीजिए, मतलब सेठ जी क्या हमारे रिश्तेदार लगे हैं जो हमें कभी भी मौका दे देंगे यार अपनी मर्जी से। रिश्तेदार यार देखो वैसे तो आप पापा के रिश्तेदार हो, लेकिन अगर पापा की नजरों में आप रिश्तेदार बन गए तो सोचो एक रिश्तेदार को तो कोई नौकरी से नहीं निकालता है ना। कौन? इलायची बेटा इतनी रात में तू चमकादड़ बनी घूम रही है क्यों? मामा मुझे ना नींद नहीं आ रही है। मैं जानती हूँ कि आप संजना से बहुत प्यार करते हो, पर ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसकी मंजिल ही नहीं। इलायची बेटा अब देखो बस संजना जो है हमसे एक बार पट जाए तो ऊपर वाली मंजिल में कमरा भी बनवा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कौन मामा, मैं ऊपर वाली मंजिल की बात नहीं कर रही हूँ, घर को अंजाम पहुंचाने वाली मंजिल की बात कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी लड़की आपके हाथों से निकल जाए और आप जिंदगी भर के लिए ऐसे अकेले ही रह जाए। कह रही है तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं जेल से छूटता हूँ ना सबकी बीवियां उनको लेने के लिए आती है, एक मैं वो भागा कि मुझे कोई देखने को भी नहीं आता। चुके मामा, वही तो मैं कह रही हूँ संजना, एक बार आपकी हो गई ना तो जेल से लेकर जमानत तक का सफर सब कुछ आसान। बस आप अपने प्यार को नाम दे दीजिए, अपना लीजिए संजना को।
इलाची बेटा, अभी तो खैर हमारी दोस्ती हुई है, बहुत जल्द तेरी मामी भी बना देगा तेरा मामा। ओहो मामा मामी तो तब बनेगी ना जब जब वो उस घर में टिकेगी। क्यों कहाँ जा रही है संजना? जा नहीं रही है, बल्कि पापा ना संजना और संजीव जी को ना इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने सब सुना है। ये जीजा मेरा जो है घर नहीं बसने देगा, मेरा घोंसला बसने नहीं देगा। जब भी कभी मैं घोंसला बनाने की कोशिश करता हूँ ये नीचे से तीली लगा देता है, आग लगा देता है, इसमें बड़ा गुस्सा आता है। मैं किसी दिन, अरे बेटा मैं तेरी वजह से नहीं बोल पाता हूँ, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ तुझसे, वरना मैं तो उसकी मामा है? एक आप ही हो जो संजना को रोक सकते हो। देखो मैं तो कह रही हूँ एक बार सगाई होगी ना बस संजना आपके, और फिर ये रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है। सच्ची इलाची बेटी मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, कसम से दिल की आवाज है मेरे दिल से निकल रही है। कि मेरी इलाची मुझसे इतना प्यार करती है भैया मेरे, जी जी कितना ख्याल रखती है तू मेरा। कहो बहुत अच्छा बेटा। क्या करूँ मामा मेरा दिल ही ऐसा है, अपने बारे में तो कभी नहीं सोचती हूँ और दूसरा का कभी पीछा नहीं छोड़ती हूँ। बस मैं इतना कह रही हूँ कल सुबह तक का वक्त है, मामला आर या पार। ऑल द बेस्ट।